बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी माँ इन बेल्जियम। तो चलें जी, आज क्विक से सीखते हैं पंजाबियों के जी गुड़ वाले चावल। जी सबसे पहले आपने दो ग्लास चावल लेने हैं, उनको बॉयल करने के लिए रख देना है। अगर आपको इसे हाफ क्वांटिटी बनानी है या डबल क्वांटिटी बनानी है तो दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल आप इससे कम या डबल करेंगे। तो दो ग्लास चावल आज मैं आपको गुड़ वाले चावल क्विक से बनाने सिखा रही हूँ। तो चलिए दो ग्लास चावल उबालते हैं जी। दूसरी तरफ मैंने एक देगची के अंदर एक ग्लास पानी लिया है और उसके अंदर दो ग्लास गुड़ डाल के रख दिया है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप एक ग्लास डालते हैं या अपनी पसंद के मुताबिक डालते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने चावल जाते हैं उतना ही गुड़ जाता है। तो मैंने दो ग्लास चावल लिए थे तो मैं दो ग्लास गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे गुड़ को ग्रेट कर तो दो ग्लास बना लें, मेरा अंदाज़ा है इसलिए मैंने ग्रेट नहीं किया है, वरना ग्रेट करके आपके दो ग्लास गुड़ के हों और दो ग्लास चावल हों। अगर एक ग्लास चावल पका रही हैं तो एक ग्लास गुड़ होगा ग्रेट करके, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था इसलिए मैंने अंदाजे से क्यूब्स ही डाल दिए हैं ग्रेट किए बगैर। अब मैं इनका शीरा बनाऊंगी एक ग्लास पानी के अंदर। दूसरी तरफ मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा मक्खन लिया है, उसके अंदर अपनी पसंद के मुताबिक इलायचियां डाली हैं, छोटी सब्जी इलायची, और उसके अंदर बादामों को डालकर थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूंगी। बादामों को बस 2-3 सेकेंड चलाने के बाद उसके अंदर अंदाजे के मुताबिक थोड़ी सी सौंफ डालकर 1-2 सेकेंड चलाऊंगी जी। अब मेरा शीरा जो मैंने एक ग्लास पानी और दो ग्लास गुड़ डालकर बनाया था, जब मेरा गुड़ मेल्ट हो गया था तो जो शीरा बना था उसको अब मैंने बंद कर दिया है। और अब आगे मैं क्या करूंगी कि वो जो मक्खन के अंदर जो मैंने बादाम और सौंफ बस कुछ सेकंड्स के लिए चलाया था ये शीरा उसके अंदर डालूंगी। जी हाँ, अब मैंने शीरे को डाल दिया है बादाम सौंफ और मक्खन के अंदर। याद रहे कि सौंफ और बादाम को मक्खन के अंदर कुछ सेकेंड के लिए ही चलाना है जी। अब मैंने उस मिक्सचर के अंदर यानी शीरे के अंदर मैंने डाल दिया है चावलों को, जो मेरे चावल बॉयल हो गए थे, यानी 90% मैंने चावलों को बॉयल कर लिया था। अब मैंने उस शीरे के अंदर डालकर मिक्स कर लिया है, बहुत ही इजी है। अब मैं इनको दम पे रखूंगी जी। हमारे गुड़ वाले चावल बहुत जल्दी 15 मिनट में तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। याद रहे कि सौंफ और बादाम को आपने ज़्यादा देर नहीं चलाना वरना वो जल जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।